सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत स्थित झरोका होटल के सामने बोगदा पुल के समीप शनिवार की सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया। शनिवार की सुबह अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ ठंड से अकड़ा हुआ शव बोगदा पुलिया के समीप स्थित झरोका होटल के सामने खाली मैदान में मिलने की सूचना मिलते ही भिलाई नगर CSP राकेश कुमार जोशी, सुपेला थाना निरीक्षक सुरेश ध्रुव और स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक युवराज देशमुख तथा सिविल टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मृत युवक को जबड़े, मुंह और आंख पर ईंट और पत्थर से वार कर मौत के घाट उतारा गया था। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने घटना स्थल के आसपास होटलों झरोका होटल में लगे CCTV कैमरे की जांच आरंभ कर दी है। नगर बंदा पुल के पास खाली जगह पे एक अज्ञात अभेद व्यक्ति की बॉडी मिली है और उसके चेहरे पे कुछ चोट के निशान थे और उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा है कि वो शराब वगैरह पीने के बाद कुछ आपसी विवाद के चलते या कुछ झगड़े हुए होंगे और उसके परिणाम स्वरूप किसी ने उसको पत्थर से वहाँ पे मारा है। ऐसा नहीं, एक सामान्य आम जगह है और आमतौर पर वहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता है और घटना का जो टाइम है वो लगभग रात में 11-12 बजे के आसपास। हम लोग उस आदमी की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं।